हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। दरभंगा के जिला स्कूल में 2 दिनों में बनेगा 100 बेड वाला कोरोना हेल्थ सेंटर, डीएम ने किया निरीक्षण। बिहार में बढ़ी लॉकडाउन की अवधि, अब 16 अगस्त तक लॉकडाउन। बिहार में बेकाबू कोरोना, 2082 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 48,000 के पार। दरभंगा में 18 नए पॉजिटिव केस, संख्या 770 के पार। बाढ़ राहत एवं निरोधक कार्य लगातार जारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने की कोरोना टेस्ट की समीक्षा। बाढ़ राहत कार्य को लेकर की गई ऑनलाइन बैठक, सहाय राशि के लिए जल्द से जल्द डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश। कुलपति ने ऑनलाइन किया विश्वविद्यालय पंचांग का विमोचन। कोरोना पर विजय पाने में औषधि पौधों के उपयोग पर मारवाड़ी कॉलेज में आयोजित हुआ वेबिनार। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वार्ड 37 में लगातार हो रहा सैनिटाइजेशन। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने संभाल रखी है कमान, बाढ़ पीड़ितों को लगातार पहुंचाई जा रही है मदद, आवश्यकता पड़ने पर हो रहा उनका रेस्क्यू। और कम्युनिटी किचन के जरिए बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराया जा रहा भोजन। दरभंगा के जिला स्कूल में बनेगा 100 बेड वाला डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, दिए निर्देश। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सुव्यवस्थित इलाज के लिए दरभंगा शहरी क्षेत्र अवस्थित जिला स्कूल के परीक्षा भवन में 100 बेड वाला डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया जा रहा है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कार्यस्थल का आज निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिविल सर्जन दरभंगा, उपाधीक्षक दरभंगा एवं डीपीएम स्वास्थ्य को परीक्षा भवन के तीसरे तल पर 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर 2 दिनों के अंदर तैयार कर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने हेल्थ सेंटर के सभी बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने एवं साथ में पल्स ऑक्सीमीटर एवं अन्य वांछित उपकरणों की भी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा भवन में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने का निर्देश दिया, जिससे होम आइसोलेशन में रह रहे पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य की सूचना ली जाती रहे एवं उन्हें आवश्यक सलाह दी जाती रहे। उन्होंने कहा कि टेली मेडिसिन हेतु चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की जाए, जिनके द्वारा टेली मेडिसिन से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चिकित्सीय सलाह दी जाती रहे। निरीक्षण के उपरांत आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने डीएमसीएच के उपाधीक्षक को डीएमसीएच में कार्यरत कोरोना पॉजिटिव अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सहायक समाहर्ता प्रियंका रानी, सिविल सर्जन दरभंगा संजीव कुमार सिन्हा समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। बिहार में बढ़ा लॉकडाउन, सरकार ने लिया फैसला, 16 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। बिहार में लॉकडाउन 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है, हालांकि लॉकडाउन में कई बड़ी ढील भी दी गई है। सरकार की ओर से अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइन जो जारी किया गया, इसमें 1 अगस्त से बहुत कुछ खोलने का सशर्त आदेश दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और बिहार में भी इसे लागू किया गया है। बिहार में केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 3 की गाइडलाइन की शर्तें लागू रहेंगी, साथ ही कुछ क्षेत्र में राज्य सरकार ने सख्ती भी बढ़ाई है। 50% क्षमता के साथ प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खुलेंगे। रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अनलॉक 3 में शॉपिंग मॉल खोलने की इजाज़त नहीं होगी। रेस्टोरेंट और मॉल में होम डिलीवरी तथा टेक अवे की सुविधा रहेगी। राज्य सरकार ने अनलॉक 3 गाइडलाइन में दुकान और मार्केट खोलने का फैसला सभी जिलों के जिलाधिकारी के ऊपर छोड़ा है। जिलाधिकारी अपने जिलों की स्थिति को देखते हुए फैसला लेंगे। वहीं निजी वाहनों के परिचालन पर पाबंदी रहेगी। शर्त के साथ बिहार में 1 से 16 अगस्त तक लॉकडाउन में कई छूट भी दी गई है, लेकिन सभी धार्मिक सामाजिक गतिविधियों पर रोक रहेगी।
रहेगी, राजनीतिक आयोजन भी नहीं होंगे, पार्क और जिम भी 16 अगस्त तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने खेती से संबंधित गतिविधियों और कृषि संबंधित दुकानों में छूट दी है। बिहार में बेकाबू हो रहा कोरोना, दो दिनों में मिले 2082 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 48,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 28 और 29 जुलाई की जारी की गई रिपोर्ट में अररिया में 29, अरवल में 19, औरंगाबाद में 29, बांका में 23, बेगूसराय में 72, भागलपुर में 96, भोजपुर में 76, बक्सर में 52, दरभंगा में 18, पूर्वी चंपारण में 140, गया में 66, गोपालगंज में 29, जमुई में 50, जहानाबाद में 17, कैमूर में 46, कटिहार में 32, खगड़िया में 44, किशनगंज में 29, लखीसराय में 13, मधेपुरा में 19, मधुबनी में 7, मुंगेर में 12, मुजफ्फरपुर में 21, नालंदा में 137, नवादा में 46, पटना में 411, पूर्णिया में 16, रोहतास में 105, सहरसा में 25, समस्तीपुर में 32, सारण में 79, शेखपुरा में 18, शिवहर में 17, सीतामढ़ी में 2, सीवान में 40, सुपौल में 57, वैशाली में 71 और पश्चिम चंपारण में 87 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में कोरोना के 18 नए मरीज मिले, संख्या 770 के पार। दरभंगा में दो दिनों में 18 नए पॉजिटिव केस मिलने से कोरोना मरीजों की संख्या 770 से पार हो गई है। हालांकि इनमें से अधिकांश ने कोरोना को परास्त कर दिया है, शेष मरीजों का इलाज चल रहा है। बाढ़ राहत एवं बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी चलाई जा रही है। 498 सामुदायिक रसोई व 390 नावों का हो रहा परिचालन। एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है रेकी। 1,75,694 व्यक्तियों को कराया जा रहा है भोजन। 29,044 परिवारों को दिया गया पॉलीथीन सीट। 6,060 सूखा फूड पैकेट्स का किया गया वितरण। पिछले 21 और 22 जुलाई को हुई भारी बारिश तथा नेपाल की तराई में कमला बलान, बागमती व कोसी नदी के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश होने के कारण इन नदियों में आई बाढ़ से दरभंगा जिला वर्तमान में प्रभावित है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में संबंधित अंचलाधिकारियों एवं प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमण कर बाढ़ राहत कार्य एवं बाढ़ निरोधक कार्य कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की निगरानी की जा रही है तथा संबंधित अधिकारियों अभियंताओं को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार दरभंगा जिला के सदर दरभंगा, बहादुरपुर, हयाघाट, हनुमान नगर, जाले, सिंहवाड़ा, केवटी, बहेड़ी, बेनीपुर, गौड़ाबोराम, घनश्यामपुर, कीरतपुर, कुशेश्वर स्थान व कुशेश्वर स्थान पूर्वी कुल 14 प्रखंड के कुल 179 पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें 122 पंचायत पूर्ण एवं 57 पंचायत अंशतः प्रभावित हैं। इनमें 788 गांव के 15,33,660 परिवार प्रभावित हुए हैं। सभी प्रभावित स्थानों पर प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक रसोई चलाकर भोजन की व्यवस्था कराई गई है। वर्तमान में पानी से घिरे 788 गांवों में 498 सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 1,75,694 व्यक्ति सुबह शाम भोजन कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने की कोरोना टेस्ट की समीक्षा, ऑनलाइन बैठक कर लिया गया फीडबैक। कोरोना की रोकथाम के लिए कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा बिहार के सभी जिलाधिकारी से ऑनलाइन बैठक के माध्यम से जिले में कोरोना टेस्ट की गति का फीडबैक लिया गया। इस दौरान टूनेट, RT-PCR एवं एंटीजन टेस्ट की दैनिक संख्या की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट प्रतिदिन लक्ष्य के अनुसार उपलब्ध कराया जाए। रैपिड एंटीजन टेस्ट डिमांड टेस्ट है, जबकि टूनेट और RT-PCR टेस्ट के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसलिए जितने भी टेस्ट किए गए हैं उनका रिपोर्ट प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि दरभंगा में आज 540 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जिनमें 400 एंटीजन टेस्ट एवं 140 RT-PCR टेस्ट हुआ है। अगले दो दिनों में 1,000 लोगों की जाँच की जाएगी। वर्तमान में जिले में 2,000 किट्स उपलब्ध हैं। अभी तक 780 पॉजिटिव केस आए हैं। बाढ़ राहत कार्य को लेकर की गई ऑनलाइन बैठक,
सहाय राशि के लिए जल्द से जल्द डाटा उपलब्ध कराने को दिए गए निर्देश। बाढ़ राहत कार्य को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अम्बेडकर भवन सभागार से बाढ़ प्रभावित अंचलों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के अंचलाधिकारियों को जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित परिवारों के डाटा PFMS के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि जल्द से जल्द उनके बैंक खाते में 6,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति छूट जाता है तो उसका नाम बाद में भी जुड़ सकता है, उनके लिए डाटा को रोके नहीं, डाटा को जल्द से जल्द जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उनके जगह उनके नाम की जगह उनके परिजन के नाम ट्रांसफ़र कर दें। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी यह काम आपने किया है, पिछले साल जहाँ पैसा नहीं गया उन स्थलों का भी पुनः सर्वे करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि जहाँ भी सर्वे हो सही तरीके से हो, सर्वे करने वाले को प्रातः भेजा जाए और एक पंचायत के लिए केवल एक व्यक्ति को सर्वे पर न लगाया जाए बल्कि एक एक गाँव के लिए एक एक आदमी को सर्वे के लिए लगाया जाए। उन्होंने 2-3 दिनों के अंदर सर्वे का काम पूर्ण कराने का निर्देश सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि जहां पानी नहीं आया, जो वार्ड बाढ़ की परिभाषा के अधीन नहीं आता है, वहां का सर्वे न कराया जाए। जहां भी सर्वे कराएं सही तरीके से कराएं बगैर किसी दबाव के, क्योंकि यदि किसी प्रकार की गलती होगी तो संबंधित पदाधिकारी ही उसके लिए उत्तरदायी माने जाएंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरुसेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त, हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद GPS, रिच लाइब्रेरी, विल इक्विप सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर CCTV सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम, इम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेज फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774. Mahaset Textiles Bakarganj Lahiriya Saray Darbhanga. Shooting, shirting, saadiyan hi saadiyan, ladies suit, lehenga chunni aur bhi bahut kuch. Bedsheet evam pardon ki bhavya range khas aapke liye. दरभंगा के जिला स्कूल में 2 दिनों में बनेगा 100 बेड वाला कोरोना हेल्थ सेंटर, DM ने किया निरीक्षण। बिहार में बढ़ी लॉकडाउन की अवधि, अब 16 अगस्त तक लॉकडाउन। बिहार में बेकाबू कोरोना, 2082 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 48,000 के पार। दरभंगा में 18 नए पॉजिटिव केस, संख्या 770 के पार। बाढ़ राहत एवं निरोधक कार्य लगातार जारी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने की कोरोना टेस्ट की समीक्षा। बाढ़ राहत कार्य को लेकर की गई ऑनलाइन बैठक। सहाय राशि के लिए जल्द से जल्द डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश। कुलपति ने ऑनलाइन किया विश्वविद्यालय पंचांग का विमोचन। कोरोना पर विजय पाने में औषधि पौधों के उपयोग पर मारवाड़ी कॉलेज में आयोजित हुआ वेबिनार। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वार्ड 37 में लगातार हो रहा सैनिटाइजेशन। NDRF और SDRF की टीमों ने संभाल रखी है कमान। बाढ़ पीड़ितों को लगातार पहुंचाई जा रही है मदद, आवश्यकता पड़ने पर हो रहा उनका रेस्क्यू। और कम्युनिटी किचन के जरिए बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराया जा रहा भोजन। कुलपति ने ऑनलाइन किया विश्वविद्यालय पंचांग का विमोचन। शुभ मुहूर्त व तिथि का अब आसानी से होगा निर्धारण। पर्व त्योहारों के समय को लेकर उहापोह हुआ खत्म। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित पूरे देश में चर्चित विश्वविद्यालय पंचांग 2020-2021 का गुरुवार को गूगल मीट ऐप के जरिए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने ऑनलाइन विमोचन किया। इस तरह कोरोना संक्रमण काल के कारण पंचांग प्रकाशन में हो रहे थोड़े विलंब से उत्पन्न उहापोह खत्म हो गया और वर्षों से विश्वसनीय विश्वविद्यालय पंचांग आवामजनों के लिए बाजार में बिक्री के लिए सुलभ हो जाएगा।
ऑनलाइन विमोचन के मौके पर विश्वविद्यालय के लगभग सभी पदाधिकारी ऐप के माध्यम से जुड़े रहे। कुलपति प्रोफेसर सिंह ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि विपरीत समय के बावजूद विश्वविद्यालय ने पंचांग का प्रकाशन कर ऐतिहासिक कार्य किया है। कोविड 19 पर विजय पाने में औषधि पौधों का उपयोग एकमात्र उपाय। मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में वनस्पति विभाग की ओर से डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के सहयोग से संपन्न हुआ। अपने उद्घाटन भाषण में डॉक्टर गुप्त ने कहा कि यदि कोविड 19 पर विजय पाना है तो औषधि पौधा को पहचानना होगा, इसे उपयोग में लाने हेतु आम लोगों के बीच प्रचार प्रसार करना होगा। उन्होंने सबसे पहले आगत अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि पेड़ पौधों से प्राप्त जड़ी बूटियों को कई शताब्दियों से उनके स्वास्थ्य कर लाभदायक गुणों के लिए जाना जाता है और उपयोग किया जाता रहा है। उन्होंने अवगत कराया कि पारंपरिक तौर पर लोग संस्कृतियों के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे और अब भी किया जाता है। उन्होंने आज के मौजूदा वायरल संक्रमण के दौर से अवगत कराया और कहा कि कम प्रतिरोधक क्षमता वालों पर कोविड 19 महामारी के संक्रमण का खतरा ज्यादा है। उन्होंने आयुर्वेद आचार्य और विशेषज्ञों के द्वारा सुझाए गए हर्बल औषधियों का उपयोग करके रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने पर जोर दिया। रिसोर्स पर्सन डॉक्टर श्रीमती आदित्य आभा सिंह ने अपने व्याख्यान में औषधि पौधों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। डॉक्टर विवेक कुमार सिंह ने बताया कि जलवायु परिवर्तन और कोरोना वायरस का सीधा संबंध है, जिसकी रोकथाम औषधि पौधों से संभव है। CFTRI मैसूर के डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि करक्यूमिन हल्दी और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के संयोजन से कोरोना वायरस के RBD और प्रोटीएज डोमेन को निष्क्रिय किया जा सकता है। वेबिनार के सचिव डॉक्टर अंकित कुमार सिंह ने वेबिनार के विषय से अवगत कराया और बताया कि औषधि पौधों से प्राप्त औषधियाँ प्रकृति का वरदान है। तकनीकी सहायक आनंद शंकर और रजनीश भी इस दौरान मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु वार्ड नंबर 37 में प्रतिदिन सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। साफ सफाई का भी रखा जा रहा है पूरा ध्यान। वार्ड पार्षद रियासत अली ने न्यूज़ टुडे को जानकारी देते हुए बताया कि वे स्वयं इन कार्यों के लिए मुस्तैद रह रहे हैं। मेरे वार्ड जमादार और सफाई कर्मी लगातार इस काम में लगे हुए हैं और अभी बाढ़ का भी समय है, चारों तरफ स्विच गेट बंद हो गया, जिसको देखते हुए शहर में गंदगी कुछ ज़्यादा हो गई है, पानी का निकासी बंद हो गया है। इसलिए आम जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आसपास को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें और किसी तरह का कोई गंदगी ना हो, क्योंकि कोई दूसरी बीमारी हो, क्योंकि जल जमाव लगातार अभी देखी जा रही है। दरभंगा नगर निगम भी जो है अपने स्तर से कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ तो सिस्टम ही थोड़ा सा गड़बड़ है, इस वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरह से जल जमाव से जल मुक्ति हो। मैं कोरोना वायरस एवं कोरोना प्रकोप को देखते हुए मैं प्रतिदिन अपने वार्ड में, वार्ड संख्या 37 में सैनिटाइजर का काम लगातार किया जा रहा है। मेरा वार्ड थोड़ा बड़ा है, इस वजह से मैं इसको दो भागों में डिवाइड किया हूँ। एक दिन आधा वार्ड होता है, दूसरे दिन आधा वार्ड किया जाता है। NDRF की टीम लगातार मुस्तैद। NDRF और SDRF की टीमें लोगों को पहुंचा रही हैं मदद, बाढ़ में फंसे लोगों का कर रही हैं रेस्क्यू। कम्युनिटी किचन चलाकर बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराया जा रहा है भोजन। सामुदायिक रसोई के जरिए दिया जा रहा है खाना। दरभंगा के जिला स्कूल में दो दिनों में बनेगा 100 बेड वाला कोरोना हेल्थ सेंटर, DM ने किया निरीक्षण। बिहार में बढ़ी लॉकडाउन की अवधि, अब 16 अगस्त तक लॉकडाउन। बिहार में बेकाबू कोरोना, 2082 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 48,000 के पार। दरभंगा में 18 नए पॉजिटिव केस, संख्या 770 के पार। बाढ़ राहत एवं निरोधक कार्य लगातार जारी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने की कोरोना टेस्ट की समीक्षा। बाढ़ राहत कार्य को लेकर की गई ऑनलाइन बैठक। सहाय राशि के लिए जल्द से जल्द डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश। कुलपति ने ऑनलाइन किया विश्वविद्यालय पंचांग का विमोचन। कोरोना पर विजय पाने में औषधि पौधों के उपयोग पर मारवाड़ी कॉलेज में आयोजित हुआ वेबिनार। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वार्ड 37 में लगातार हो रहा सैनिटाइजेशन।
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने संभाल रखी है कमान। बाढ़ पीड़ितों को लगातार पहुंचाई जा रही है मदद, आवश्यकता पड़ने पर हो रहा उनका रेस्क्यू। और कम्युनिटी किचन के जरिए बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराया जा रहा भोजन।